मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट, एक और छोटी सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता होगी, एंड इफ सम ऑफ यू डजंट नो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या फिर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या जितने भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी होती है दैट इज नोन एज CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरी कैटेगरी होती है हमारी GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, उसमें हर एक वर्किंग, हर एक टास्क विद द हेल्प ऑफ कमांड्स परफॉर्म किया जाता है. मतलब अगर मुझे किसी भी तरीके का फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड पास करनी पड़ेगी. कोई सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी मुझे कोई कमांड पास करनी पड़ेगी. किसी भी तरीके की वर्किंग हो, हर काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरीके की कमांड को ही काम में लेना पड़ता है, जो कि लिनक्स की एक्चुअल वर्किंग है. लिनक्स में हर तरीके की फंक्शनैलिटी के लिए हम अलग अलग तरीके के कमांड्स को ही काम में लेते हैं. आई एम श्योर आप सब लोगों ने विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को काम में लिया होगा. कमांड प्रॉम्प्ट में हम हमेशा अलग अलग तरीके की कमांड्स यूज करते हैं वर्किंग करवाने के लिए. तो एग्जैक्टली में मतलब वही है, लिनक्स का एक्चुअल जो वर्किंग है वो कमांड बेस्ड ही है. सेकेंड जो हमारे पास में कैटेगरी है दैट इज GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारे पास में इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पे सारी चीजें आइकन्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में अवेलेबल है. अब उन सिंबल्स पे क्लिक करके हम अलग अलग तरीके की वर्किंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे विंडोज जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज अ ग्राफिकल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अलग अलग तरीके के आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे, उन पे क्लिक करके एप्लीकेशंस हमारी चल जाती है, दैट इज GUI. अब लिनक्स की अगर हम बात करें तो प्योर कमांड बेस वो नहीं है. अगर हम चाहें तो वहां पे ग्राफिकल वर्जन को भी काम में ले सकते हैं. विद एडवांसमेंट, विद चेंजेस, हमारे पास में ऑप्शंस हैं कि कमांड्स के भी और ग्राफिकल वाले पार्ट के भी, तो हम दोनों तरीके के वर्जन को काम में ले सकते हैं. लेकिन जो इसका बेसिक वर्किंग है वो कमांड बेस ही होता है. सेंट OS या फिर हमारे पास में Ubuntu, अलग अलग तरीके के ग्राफिकल वर्जन हमारे पास में अवेलेबल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिनक्स फीचर्स. अब यहाँ पे जब हमारे पास में ऑलरेडी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है तो यहाँ पर हम क्यों लिनक्स को काम मिले? अब ग्राफिकल जो है वो इतना इजी होता है, मतलब जस्ट हम लोग क्लिक करके सारी वर्किंग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. तो फिर क्यों हम लिनक्स को काम में ले, क्यों हम लोग कमांड्स को सीखे और अपनी वर्किंग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाए? बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर्स. अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लिनक्स में फीचर है दैट इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है या अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, ओपन सोर्स का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर हमारे पास में फ्रीली अवेलेबल है. हम इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं. अगर चाहें तो उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करके हम अपना वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ओपन सोर्स. ये सेम टर्म मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को एक्सप्लेन की थी, तो एग्जैक्टली में वही है. नेक्स्ट जो हमारे पास में फीचर है दैट इज पोर्टेबल. पोर्टेबल का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक डिवाइस तक लिमिटेड नहीं है. जितने भी हमारे पास में कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट्स है, जितने भी डिवाइसेस है, हम उन सभी डिवाइसेस के अंदर लिनक्स को एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले सकते हैं. तो पोर्टेबल का मतलब है अलग अलग डिवाइसेस के साथ में फुल्ली कंपैटिबल होके काम करना. थर्ड जो हमारे पास में लिनक्स का फीचर है दैट इज सिक्योर. अब इसे सिक्योर क्यों कहते हैं, उसके दो तीन रीजंस हैं. लिनक्स इज डेफिनेटली वे मोर सिक्योर देन विंडोज. अब ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहला रीजन, कभी भी हम किसी भी तरीके की कोई फाइल डाउनलोड करते हैं किसी अननोन सोर्स से, तो वहां पर हो सकता है कि उस फाइल के अंदर किसी ना किसी तरीके का वायरस प्रेजेंट हो. ट्रस्टेड सोर्स नहीं है तो हो सकता है वायरस हो सकता है नहीं भी. लेकिन मान लीजिए अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और वहां पे कुछ इस तरीके की फाइल हमने डाउनलोड की है,
तो जैसे ही हम उस फाइल को क्लिक करके ओपन करेंगे, वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ जाएगा। अब वो वायरस सिर्फ उस फाइल तक या उस फोल्डर तक लिमिटेड नहीं रहता है, धीरे धीरे वो हमारे पूरे सिस्टम में फैलने लग जाता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव, एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई होता रहता है, एंड विद इन फ्यू ईयर्स हमारे सिस्टम को कम्प्लीटली डाउन कर सकता है, जो कि लिनक्स के केस में नहीं होता है। अगर हमने किसी भी तरीके की फाइल डाउनलोड की है जिसमें वायरस है, तो वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मल्टीप्लाई होके ट्रांसफर नहीं होता है। जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल प्रेजेंट है, सिर्फ वहीं पे ही वायरस होगा। तो अगर वायरस का प्रॉब्लम है तो उस फाइल को आप रिमूव कर दो, वायरस जो है वो रिमूव हो जाएगा। दैट इज द वेरी फर्स्ट फीचर कि जो रेप्लीकेशन वाला प्रोसेस है वो लिनक्स के अंदर नहीं होता है। दूसरी चीज, हम कभी भी किसी भी तरीके की फाइल्स अगर क्रिएट करते हैं, विंडोज में भी हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम अलग अलग फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड को क्रैक करने के लिए अलग अलग तरीके की एल्गोरिदम्स हमारे पास में अवेलेबल है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका पासवर्ड जो है वो हैक किया जा सकता है। लिनक्स के अंदर भी ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है, जहां पे हम फाइल्स पे अलग अलग तरीके के पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पासवर्ड के साथ में यहाँ पे एक और फीचर अवेलेबल है, वो है फाइल को एक्सेस करने का राइट्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरी टीम में चार लोग काम कर रहे हैं, तो चारों लोगों के पास में हर तरीके की परमिशन हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक इंसान को सिर्फ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम करना है, तो वो तो सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ ले उतना ही इनफ, तो उसे मैं सिर्फ प्रोग्राम को रीड करने की परमिशन दूं। जो बाकी तीन लोग हैं वो उस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें मैं रीड और राइट दोनों की परमिशन दे सकती हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द परमिशन, बिकॉज ऑफ द एक्सेस राइट्स भी हमारे पास में सिक्योरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंडोज, क्योंकि जिसके पास में एक्सेस राइट्स नहीं होंगे, पासवर्ड हैक कर भी लिया है आपने, क्योंकि आपके पास में एक्सेस राइट्स नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई नहीं करवा पाओगे। इसी वजह से लिनक्स जो है वो विंडोज से ज्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिनक्स को हैक नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, पर वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारी वर्किंग कमांड बेस्ड है। अगर लिनक्स को हैक करना है तो इसकी सारी कमांड्स थरली हमें आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो फिर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी हैक नहीं करवा पाओ। तो दैट इज द थर्ड फीचर, सिक्योरिटी। फोर्थ जो हमारे पास में फीचर है, दैट इज सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर हम यहाँ पे विंडोज की बात करते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमारा ऑन नहीं होता है तो वो कहता है अपडेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम साइट पे जाते हैं फिर उसे अपडेट करते हैं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। बट इन केस ऑफ लिनक्स हमें सिर्फ एक कमांड होती है जो एग्जीक्यूट करनी होती है, वो कमांड कहलाती है yum update। बस उस कमांड को लिख के हमें अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, अब वो अपने आप जो है अपडेट कर देगा सॉफ्टवेयर को, हमें बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपडेट्स भी बहुत इजी होती है। नेक्स्ट फीचर है लाइट वेट। अब लाइट वेट का सिंपली मतलब इतना सा है कि जो भी लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी फाइल होगी, उस फाइल का साइज बहुत कम होता है। जब फाइल का साइज कम है तो वो कम स्पेस कंज्यूम करेगा। अब कम स्पेस कंज्यूम करने का मतलब ये है कि उसका रैम कम कंजम्पशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे विंडोज की बात करते हैं तो वो ज्यादा रैम कंज्यूम करती है, लिनक्स जो है वो कम रैम कंज्यूम करता है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने फोन में ये वाला कंसेप्ट देखा होगा कि फोन में 8 GB रैम है लेकिन फ्री वहां पे 4 GB है हमारे पास में। क्यों ऐसा है? क्योंकि 50% रैम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो इट इज नॉट अ गुड वन। तो यहाँ पे लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है वो बहुत कम साइज होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री मेमोरी हमारे पास में होती है अलग अलग तरीके की अपने हिसाब से वर्किंग करवाने के लिए। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, दैट इज मल्टी यूजर। अब मल्टी यूजर का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब एक मशीन को बहुत सारे यूजर एक टाइम पर शेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे वो कंसेप्ट कहलाता है मल्टी यूजर। मतलब क्या है मेरा? देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, इनफैक्ट अगर हम हमारे कॉलेज की भी बात करें, तो वहां पे भी यही वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अब होता क्या है, यहाँ पे हम एक सिस्टम को, कोई से भी एक सिस्टम को लिनक्स का सर्वर बना देते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉलेज में लैब नंबर 1 है वहां पे भी एक सिस्टम है, स्टार्टिंग में सेकंड नंबर का सिस्टम, दैट इज लिनक्स का सर्वर।
अब होता क्या है, जैसे ही हम लिनक्स के सर्वर को ऑन करते हैं तो बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ अ कमांड वो उस लिनक्स के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर कॉलेज ओपन होते हैं तो उसी तरीके का कंसेप्ट हम लोग भी फॉलो करेंगे। मुझे तो बस सर्वर को स्टार्ट करना होगा और आप सब लोग अपनी अपने सिस्टम्स पे काम करोगे, अपना अपना काम करोगे, अपनी अपनी स्क्रीन होगी, सबका इंडिविजुअल वर्क है, एक दूसरे से लिंक नहीं है। लेकिन वहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, सब लोग एक ही सीपीयू, एक ही कैबिनेट जो है उसको एक्सेस आप लोग कर रहे हो, क्योंकि वो उसी के अंदर प्रेजेंट है, सर्वर हमारा एक ही है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन आप सेव करोगे, प्रोग्राम्स बना के आप जो सेव करोगे, वो उसी सीपीयू वहां पे जाके सेव होगा, आपके सिस्टम में सेव नहीं होगा, वो सर्वर पे जाके सेव होगा। तो अब है क्या वहां पे, हर एक यूजर जो है, हर एक जो हमारा एंड यूजर है जो उस लिनक्स को काम कर रहा है, वो एक ही मशीन को यूज कर रहा है रिसोर्स के तौर पे भी, और अगर डेटा सेव करना है तो भी। तो एक सिस्टम को जब एक साथ बहुत सारे यूजर्स काम में लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा मल्टी यूजर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिनक्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास में फीचर है, मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग भी हम इसे कह सकते हैं। मल्टी टास्किंग का सिंपली मतलब इतना सा है कि एक टाइम पर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही मल्टी यूजर से इंटरलिंक्ड ही है, एक मशीन पे बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, अब जरूरी थोड़ी है वो सेम टाइप का काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कोई और प्रोसेसिंग कर रहा हो, कुछ प्रोसेस करवा रहा हो, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रोग्राम बना रहा है, तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम कर रहे हैं सेम टाइम पर, दैट इज मल्टी टास्किंग। नेक्स्ट जो फीचर है हमारा, दैट इज हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम का सिंपली मतलब इतना सा है कि जब भी हम लिनक्स को एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे होता क्या है, अलग अलग तरीके के फोल्डर्स क्रिएट होते हैं अलग अलग तरीके की वर्किंग के लिए, हमें नहीं क्रिएट करना होता है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स प्रोवाइड करता है। तो वो जो फोल्डर्स हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज होंगे वो कहलाता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो किस तरीके से फोल्डर्स अरेंज होते हैं ये आपको उस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में फीचर है, दैट इज शेल। शेल का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि ये हमारे पास में एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या करता है, जितनी भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी कमांड्स हम प्रोवाइड करते हैं, उस कमांड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को पास ऑन करके एग्जीक्यूट करने का ये काम करता है। मतलब क्या है मेरा, देखिए, वी आर द एंड यूजर, हम यहाँ पे कमांड्स प्रोवाइड करेंगे, कैसे कमांड प्रोवाइड करेंगे, टाइप करके, ऑब्वियसली कीबोर्ड से कमांड प्रोवाइड करेंगे। तो ये शेल क्या कर रहा है, इट इज अ प्रोग्राम, ये कीबोर्ड से उन कमांड्स को एक्सेप्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को पास ऑन कर देता है ताकि वो फंक्शनिंग कर सके, वो परफॉर्म कर सके अलग अलग टास्क। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ कमांड टाइप करी, फोल्डर का नाम टाइप किया, तो जो कमांड मैंने पास ऑन करी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करके हमारा फोल्डर क्रिएट करके दे देगा। तो जितनी भी तरीके की प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं, हम लोग आगे जाके प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करेंगे, तो जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट करेंगे, कमांड्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारी कमांड्स शेल के थ्रू ही जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में, दैट इज द शेल फीचर। लास्ट जो हमारे पास में लिनक्स का फीचर है, दैट इज मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज खाली एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ उसके ऑफकोर्स वर्जन है 7, 8, 10, लेकिन विंडोज अकलौता एक ही है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे विंडोज चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्टैक्ट करना होगा, हमें मिल जाएगी विंडोज। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स सिर्फ एक कंपनी के पास हो ऐसा नहीं है, हर कंपनी के पास में लिनक्स का अलग वर्जन है और हर एक वर्जन के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। हम उबंटू, डेबियन, फेडोरा या रेड हैट एंटरप्राइज लिमिटेड, अलग अलग तरीके के वर्जन्स यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारे पास में अलग अलग फॉर्म के अंदर लिनक्स अवेलेबल है। दैट इज ऑल अबाउट लिनक्स फीचर्स। किसी भी पॉइंट में किसी को कुछ कंफ्यूजन है या दोबारा से एक्सप्लेन करना है? लिनक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे चाहे हम प्रैक्टिकल की बात करें या हम थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. प्रैक्टिकल में भी कभी कभी जो एक्सटर्नल आते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पेसिफिकली एक नाम वो देंगे ये क्या काम करता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है. और थ्योरेटिकल एग्जाम में तो कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है एक्सप्लेन द लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे अब लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहिए, फाइल सिस्टम हायरार्की कहिए या फिर हायरार्किकल फाइल सिस्टम कहिए, तीनों का मतलब एक ही है. अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स देखिए. अगर हम यहाँ पे विंडोज की बात करते हैं तो विंडोज में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी को काम में लिया जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि मुझे किसी तरीके का फोल्डर क्रिएट करना है विंडोज के रेफरेंस में, लेकिन लिनक्स के रेफरेंस में यहाँ पे फोल्डर टर्म को काम में नहीं लिया जाता, यहाँ पे फोल्डर कहलाता है डायरेक्टरी. तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आर्यन नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिनक्स में हम लोग क्या कहेंगे, आर्यन नाम की एक डायरेक्टरी हमें क्रिएट करनी. तो यहाँ पे फोल्डर के बजाय डायरेक्टरी टर्म को काम में लिया जाता है. तो इनकेस अगर कोई आपसे पूछे तो आपको डायरेक्टरी टर्म को यूज करके ही आंसर करना है. सेकेंड जो टर्म है हमारे पास में दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर. जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं पहली बारी या जब भी आप उसको ऑन करते हो तो आपके पास में ऑप्शन आता है साइन इन का. आपको किस तरीके से साइन इन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से साइन इन करना है या नॉर्मल यूजर की से साइन इन करना है. तो एडमिनिस्ट्रेटर टर्म जो विंडोज में काम में आती है लिनक्स के अंदर वो कहलाता है रूट यूजर. ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रूट टर्म काम में ली जाती है. तो इन केस समबडी आस्क यू द क्वेश्चन तो आपको कुछ इस तरीके का ही आंसर करना है. अब यहाँ पे जब भी हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें सी ड्राइव मिलती है. अगर हम चाहें तो उस स्पेस को अलग अलग पार्टीशन कर सकते हैं, सी डी ई एफ ड्राइव हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर हम किसी भी तरीके के पार्टीशन नहीं करते हैं तो एक ड्राइव ही हमारे पास में रहती है, दैट इज सी ड्राइव. सारी बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल्स हमें मिलती है वो भी उसके अंदर होती है. हम अगर अपना डेटा क्रिएट करेंगे तो वो भी उसके अंदर ही होगा. तो एग्जैक्टली में जो सी ड्राइव है विंडोज के अंदर इट इज द मेन पार्ट जहाँ पे सारा डेटा प्रेजेंट होता है. लिनक्स के अंदर यहाँ पे स्लैश नाम की एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सारा डेटा प्रेजेंट होता है. और ये जो स्लैश है इसे बस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कोई आपसे पूछ ले इस स्लैश का मतलब क्या है तो इस स्लैश का मतलब है टॉप लेवल डायरेक्टरी. टॉप लेवल डायरेक्टरी का मतलब है ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होगी. अब मैंने आप लोगों को कहा कि डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, तो यहाँ पे जो ये स्लैश है ये हमारा मेन फोल्डर होगा और इसके अंदर सारे फोल्डर्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम भी कोई नया फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा, हम इसके बाहर कभी भी कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते. एंड दिस इज नोन एज टॉप लेवल डायरेक्टरी. अब यहाँ पे मैंने कुछ और फोल्डर्स के नाम मेंशन किए हैं. जिस तरीके से जब हम सी ड्राइव को काम में लेते हैं तो आई थिंक आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा प्रोग्राम फाइल्स इनटू 86 या पर्फ लॉग्स या यूजर्स, इस तरीके के कुछ फोल्डर्स होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं. सॉफ्टवेयर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर तो हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ प्री डिफाइंड फोल्डर्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की फाइल्स प्रेजेंट होती है हमारे सिस्टम के रिगार्ड. तो एग्जैक्टली में जो लिनक्स की टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है उसके अंदर भी हमारे पास में अलग अलग तरीके के फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं और ये हमें इस लिनक्स के साथ में ही मिलते हैं. इन फोल्डर्स को हम डिलीट नहीं कर सकते और ना ही इन फोल्डर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट हुए हुए ही हमें मिलते हैं. तो वन बाय वन इन फोल्डर्स का क्या यूसेज है ये हम लोग देख लेते हैं. देखिये यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 फोल्डर्स का नेम मेंशन किया है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा और भी फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहला जो हमारे पास में फोल्डर है दैट इज रूट एंड होम. अब यहाँ पे देखिए रूट से पहले मैंने स्लैश को काम में लिया है तो इस स्लैश का मतलब क्या है कि इस मेन डायरेक्टरी के अंदर हमारा रूट फोल्डर प्रेजेंट है. अब जो भी हम काम करेंगे वो इस रूट के अंदर होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे होम फोल्डर की बात करती हूँ, होम डायरेक्टरी की बात करती हूँ तो स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी प्रेजेंट है और इस होम डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ क्रिएशन करेंगे. तो इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन सबका चलता है. अब एक्चुअली में इनका मतलब क्या है वन बाय वन हम देखते हैं. देखिए
जब भी हम किसी भी तरीके का सिस्टम में लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो हमारे पास में, जैसे कि मैंने कहा, दो ऑप्शन होते हैं। एक होगा हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटर का और एक ऑप्शन होगा हमारे पास में नॉर्मल यूजर का। अब कभी भी अगर हम यहाँ पे रूट यूजर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में लॉग इन करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं इस रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर की वर्किंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटर जो फाइल्स क्रिएट करता है या वो जो भी वर्किंग करता है, वो सारी वर्किंग बाय डिफॉल्ट इसी फोल्डर के अंदर होती है। अब अगर हम चाहे तो हम फोल्डर स्विच कर सकते हैं, किसी और डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने एज अ रूट यूजर लॉग इन किया है, तो आपकी जो लोकेशन होगी वो यही होगी। मेन डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर आप अपना सारा काम सेव करोगे, और ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं बल्कि हम नॉर्मल यूजर से लॉग इन करते, जैसे कि बीसीए एंड बीएससी को तो पता है आप लोगों ने, सिस्टम्स को काम में लिया, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है एंड आरएन नाम का यूजर भी हमारे कॉलेज के अंदर अवेलेबल। तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन किया है तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, यानी कि रूट यूजर। सिमिलरली अगर हम किसी नॉर्मल यूजर से लॉग इन करते हैं, कोई भी नॉर्मल यूजर हो चाहे, तो वो पहुंच जाएगा इस होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और ये बाय डिफॉल्ट है। जितने भी नॉर्मल यूजर्स होते हैं वो सारे इस होम डायरेक्टरी के अंदर काम करते हैं, और जो रूट यूजर होता है वो इस रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर काम करता है, और ये इनकी बाय डिफॉल्ट लोकेशंस होती। दैट इज द वेरी टू फर्स्ट डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो हमारे पास में डायरेक्टरीज हैं, दैट इज बिन एंड एसबिन। अब बिन का मतलब है यूजर बाइनरीज और एसबिन का मतलब है सिस्टम बाइनरीज। अब जैसे कि मैंने कहा, लिनक्स जो है हमारा, इट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि सारी वर्किंग हम लोग कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे रूट जो है, इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास में कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो नॉर्मल यूजर के पास में नहीं होते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी हम सी ड्राइव में से कुछ फाइल या कुछ फोल्डर को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, तो वहां पे आता है यू कैन नॉट डिलीट दिस फाइल, अगर आपको करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना होगा, कुछ इस तरीके का। आई थिंक आप नोटिफिकेशन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस है कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है और नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है। सेम गोज विद द लिनक्स। तो यहाँ पे यूजर जो भी काम करता है, यूजर काम कैसे करेगा, अलग अलग तरीके की कमांड्स को यूज करके वो काम करेगा। तो यूजर जितनी भी कमांड्स को काम में लेता है, वो सारी कमांड्स प्रेजेंट होती है इस बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर। इसी वजह से इसे कहा जाता है यूजर बाइनरीज, क्योंकि ये इस तरीके की फाइल्स कंटेन करता है जिसमें वो कमांड्स होंगी जो सिर्फ यूजर काम में ले सकता है। अब यूजर को फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, कोई फाइल के डेटा को चेंज करना है, डिलीट करना है, इस तरीके की सभी बेसिक वर्किंग के लिए यहाँ पे इस टाइप के फोल्डर को काम में लिया जाता है। अब मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आई एम वर्किंग, मैं रूट यूजर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन उस सिस्टम के एक्सेस राइट्स मैंने दो और लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, यानी कि मैंने उनके नाम का अकाउंट बना रखा है, तो वो साइन इन करें और अब काम करना स्टार्ट कर दें। लेकिन वहां पे जो वो काम करेंगे, उस काम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस बिन के अंदर प्रेजेंट होंगी, बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड, वो नॉर्मल यूजर्स हैं, वो रूट यूजर नहीं। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ में रूट का पासवर्ड शेयर कर दूं, तो फिर वो रूट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे जितना भी हमारा रूट यूजर वर्किंग करता है, रूट यूजर जितनी भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, वो सारी कमांड्स प्रेजेंट होती हैं इस एस बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और इसी वजह से इसे कहा जाता है सिस्टम बाइनरीज। कोई नया यूजर हमें क्रिएट करना है, सिस्टम को काम करते करते शटडाउन करने का जो पावर है वो रूट यूजर के पास में होता है। तो अलग अलग तरीके की कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, कुछ नॉर्मल यूजर्स काम में ले सकते हैं, कुछ वो काम में नहीं ले सकते। तो नॉर्मल यूजर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूजर बाइनरीज। और रूट से यूजर जितना भी कमांड्स होगा वो प्रेजेंट होंगी इस एसबिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर। नाउ
आज के क्लास का हम लोग एक लास्ट फोल्डर और डिस्कस कर लेते हैं, ये पांच पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में डायरेक्टरी है दैट इज ईटीसी। ईटीसी का सिंपली मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, देखिए आई एम श्योर आप सब लोगों ने कभी ना कभी ये टर्म किसी से डिस्कस की होगी कि मुझे सिस्टम लेना है या मुझे लैपटॉप परचेज करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सामने वाला इंसान आपसे पूछेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कितना रैम होना चाहिए, कितनी क्या सारी उसकी वर्किंग होनी चाहिए, किस तरीके से उसका हार्ड डिस्क होना चाहिए, मुझे ना 8 GB रैम चाहिए, 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए, इस तरीके की अलग अलग तरीके की स्पेसिफिकेशंस हम लोग बताते हैं एक सिस्टम को परचेज करने से रिगार्डिंग। तो लिनक्स में हार्डवेयर रिलेटेड जितना भी स्पेसिफिकेशंस है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, वो सारी प्रेजेंट होती है इस ईटीसी नाम की डायरेक्टरी के अंदर। कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क का स्पेस है, सारी चीजें हार्डवेयर रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट है इस ईटीसी नाम की डायरेक्टरी के अंदर। नाउ अब इस फर्स्ट 5 डायरेक्टरीज के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, बिकॉज बाकी का तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हर एक डायरेक्टरी जो मैंने एक्सप्लेन की है उससे रिलेटेड मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड किए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आएंगे तब जब हम लोग कमांड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है कैसे ये काम करेगा ये हम लोग कमांड वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट एग्जाम्पल मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है ताकि फ्यूचर में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये कहाँ पे लिखना है और वो कहाँ पे लिखना है। तो मैंने कुछ कमांड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट वो सारी कमांड्स हम लोग फ्यूचर के जो सेशंस है उसमें डिस्कस करने वाले। अब फर्स्ट 5 में किसी को कंफ्यूजन